today we are going to visit Corpus Christi, and I am so excited to go there. I was already enjoying the whole week because there was intercession and I was not invited. I'm so excited to go to the beach. वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फ्रेंड्स। तो जैसा कि मेरी बेटी आपसे बता चुकी है कि आज हम लोग जा रहे हैं कॉर्पस क्रिस्टी। कॉर्पस क्रिस्टी साउथ टेक्सास में पड़ता है और हमारा घर है डैलस में। तो डैलस से कॉर्पस क्रिस्टी का जो डिस्टेंस है वो है 411 माइल्स यानी कि 665 किलोमीटर्स, और ये डिस्टेंस 6-6.5 घंटे में कवर हो जाएगा। अभी हम लोग डैलस से निकले हैं। हमारा घर डैलस में डाउनटाउन के पास में है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ से निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी हमारी जर्नी कैसी रही, वहाँ पे हमारा स्टे कैसा होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम लोग हैं डैलस की रोड्स पे, और आप देख सकते हैं बहुत ट्रैफिक है। अभी ऑफिस का टाइम रहता है इसलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पे। और ये साइड पे जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये है डैलस का डाउनटाउन। अभी स्कूल में वेकेशंस है और गर्मियों का टाइम है, तो हम लोगों ने सोचा कि बीचेस पे घूमने कॉर्पस क्रिस्टी चलते हैं, क्योंकि वहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा साफ सुथरे और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कार एग्जिट ले लिया है और हम आए हैं अभी सबवे में। देखते हैं यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबवे में खाने पीने का काम ख़त्म करके हम लोग वापस अपनी कार में बैठ गए, और वापस से हमने अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के बड़े बड़े रोड्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अब थोड़ी ही देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं कॉर्पस क्रिस्टी में, और हमारे रोड के दोनों तरफ हम लोग देख पा रहे हैं गल्फ़ ऑफ मेक्सिको का इनलेट। यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको है, काफ़ी लंबा नैरो शोर लाइन बना रखी है इसने, और आसपास में लोगों के घर हैं और बहुत अच्छे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। अभी कार जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, इसलिए बाहर का जो व्यू था गल्फ ऑफ मेक्सिको का वो मैं आपसे अच्छे से कैप्चर करके शेयर नहीं कर पाई। लेकिन मेरी आने वाले वीडियोस में जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, मैं कोशिश करूँगी हर एक चीज़ को अच्छे से कैप्चर करके आपके साथ शेयर करने की। तो हम लोगों ने हमारा जो स्टे है वो एयरबीएनबी के थ्रू ऑलरेडी बुक करवा लिया है, और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच। तो फ्रेंड्स, ये वो सोसाइटी है जहाँ हमने स्टे ले रखा है। तो अभी हम लोगों ने कार पार्क कर ली है और अंदर एंटर कर लिया है। अंदर एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये लिविंग एरिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और लिविंग एरिया के साथ में ही डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी किचन भी है। काफ़ी स्पेशियस है ये एरिया। एक्चुअली अभी वेकेशंस होने की वजह से जो एकोमोडेशन है वो इजीली नहीं मिल पाती है, क्योंकि मोस्टली जो होटल्स हैं बुक चलते हैं, एयरबीएनबी पे भी बुकिंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपको प्लान करना है तो आपको एडवांस में ही बुकिंग करवा लेनी चाहिए। To Corpus Christi, and this is our hotel, and there's a TV over here, and this is a private property, I think, and this, there's a washroom over here, and there is a store in here, it has like a washing machine and a mop. So guys, they got a shelf over here. Games in here, you can play these games. You don't have to pay for this because people are all playing. So this is a condo. They have shelves in here. There is a bedroom, and this is where food are. And there is a bathroom over here. And तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के ब्यूटीफुल बीचेस को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।